जी, तो बिटकॉइन में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इट्स आइदर गोइंग टू गो साइडवेज बम्प इनटू दिस सपोर्ट और आइदर वी आर गोइंग टू कम डाउन एंड टच दिस वन। सो वी आर करंटली टचिंग दिस वन। मैंने आपको बताया था दिस इज करंटली स्टैंडिंग एट 53,500 अप्रोक्सीमेटली, और एग्जैक्टली हम वहाँ पे आकर इस वक्त इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं। ऑल दो अभी क्लोज बाकी है डेली में, और इसमें अभी 10 घंटे 32 मिनट बाकी हैं। सो जब तक डेली क्लोज इसके ऊपर नहीं होता तब तक इसको एज ए सपोर्ट जो है वो होल्ड करने जो है अभी उसका आप कह लीजिए कि कंफर्म नहीं होगी कि हमने इसको एज ए सपोर्ट होल्ड किया है या नहीं। बट अगर डेली क्लोज नीचे हो जाती है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ ब्रेकेज ऑफ सपोर्ट, और ब्रेकेज ऑफ सपोर्ट जो है वो मजीद डाउन साइड इनिशिएट कर देगी। सो फिलहाल डेली क्लोज लेट्स होप कि ये ऊपर हो जाए और इसी सपोर्ट के ऊपर है और निचला जो चैप्टर है वो ना खुले अगला, क्योंकि अगर इसके बाद मजीद डाउन साइड आती है तो फिर देर आर गोइंग टू बी सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑन द लार्जर टर्म टाइम फ्रेम लाइक ऑन वीकली, क्योंकि वीकली में जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश रहता है, और अगर हमारे पास सपोर्ट वहाँ पे ब्रेक होती है तो यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल जो है दैट कैन ब्रेक एज वेल, विच इज करंटली स्टैंडिंग एट $52,575 अप्रॉक्सीमेटली। तो उसमें हमारे पास जो स्टोकास्टिक है वो वीकली पे इस टाइम डाउनवर्ड्स है, ऑल्दो अभी हम इस बुलिश कंट्रोल जोन के अंदर हैं, अभी हम बेरिश या न्यूट्रल जोन में नहीं गए, और बुलिश कंट्रोल जोन में जब भी हमारे पास एक अपटेक आता है ऑन द स्टोकास्टिक दैट इज वेरी बुलिश स्पेशली ऑन द वीकली टाइम फ्रेम व्हिच एक्चुअली कंपनीज फॉर द लार्ज रैलीज इन दिस मार्केट। यहाँ पे जो वीकली स्टोकास्टिक है दैट इज करंटली स्टैंडिंग एट के हमारे पास जो अपटेक है वो तब तक नहीं होगा जब तक $65,414 के ऊपर क्लोज नहीं करते, और जो हमारे पास 21 वीकली है वो रीटेस्ट होती है विद $52,775, वाइल ऑन द स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम जिसमें हम डेली मैंने आपको बताया कि हमारे पास यही एक सपोर्ट बाकी है, इसके नीचे हमारे पास 200 एक्सपोनेंशियल और 200 सेंट्रल मूविंग एवरेजेस हैं। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो आई थिंक कुछ सिनेरियोज हैं वो बैड हो जाएंगे फॉर बिटकॉइन, और वो उस चीज़ में हम ना ही पड़े तो बेहतर है। स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम में 4 आवर्स, लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड इट ओवर देयर, एनीथिंग ओवर देयर। 4 आवर में एक अभी तक जो कैंडल है ये 1 घंटा तकरीबन 1.5 घंटे की कैंडल है, लेट्स सी इफ वी कैन कम अप अबव दिस लेवल एटलीस्ट समवेयर अराउंड 55,800, और स्टोकास्टिक जो है वो इस टाइम न्यूट्रल कंट्रोल जोन में घुस चुका है 50 लेवल से, दिस कैन गेट अ बाउंस। और इसके साथ हमारे पास जो RSI है उसके ऊपर यहाँ से इस पॉइंट में और इस पॉइंट में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी एंड वंस वी गेट ए लोकल लो कंफर्म्ड, ठीक है। जब तक लोकल लो कंफर्म नहीं होता डाइवर्जेंस नहीं प्ले आउट होगी, डाइवर्जेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ मैच करती हुई इस पॉइंट के साथ कंफर्म हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस पॉइंट इज लोअर, RSI पे दिस पॉइंट इज हायर, ठीक है। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो सकती है इफ वी कंफर्म अ लोकल लो। लोकल लो कैसे कंफर्म होगा, दिस इज अ ह्यूज कैंडल, इसको या तो इसको पूरा वापस रिट्रेस कर लिया जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास शॉर्ट बॉडी की 2-3 कैंडल्स हैं जिसमें से एक कैंडल वापस रिट्रेस हो जाए, दैट इज गोइंग टू फॉर्म अस ए लोकल लो ओवर हियर। सो वंस वी फाइंड अ लोकल लो वी कैन हैव द बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द 4 आवर प्ले आउट, और वो हमें वापस एटलीस्ट सेफ जोन में पहुंचा सकती है अबाउट 56,700 लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ पे हमारे पास क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस आ चुके होंगे तब तक, जिसमें 50 सिंपल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद 21 एक्सपोनेंशियल एंड ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आ जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर बिटकॉइन, थैंक यू।